नमस्कार प्रणाम दोस्तों। अभी हमारे चैनल पे आप लोगों को लगातार प्राइवेट नीलामी हो या सरकारी नीलामी हो उसका अपडेट आपको मिलता रहता है, लेकिन ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। तो वीडियो का कृपया स्किप नहीं कीजिएगा और छोड़ के नहीं जाइएगा, पहले हम आपको बता रहे हैं। न तो लास्ट में जो लोग नीलामी में भाग लेना चाहते हैं, चाहे सरकारी नीलामी हो या प्राइवेट नीलामी हो, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग जो भी नीलामी में भाग लेना हो भाग लेगा, गाड़ी ले सकते हैं। ये भी हम आपको बताएंगे कि कितना आसानी से आप भाग ले सकते हैं। इस सारा कुछ बहुत सारा चीज आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं, जिसको ध्यानपूर्वक जरा सुनिएगा। देखिए अभी क्या है कि कोई हमारे व्यूअर हैं जो प्राइवेट नीलामी से गाड़ी खरीदे और वो गाड़ी नहीं ले पाए, लेकिन वो अब आज के डेट में बहुत अफसोस कर रहे हैं। और क्या उनके साथ में ऐसा हुआ ये हम आपको बताएंगे कि उनका पैसा जब्त कर लिया गया, क्यों उनका पैसा जब्त कर लिया गया ये भी बताएंगे। देखिए क्या होता है ना कि कोई भी नीलामी हो, जो नीलामी में सस्ता गाड़ी दिया जाता है, ठीक है, बहुत ही सस्ता गाड़ी दिया जाता है, चाहे प्राइवेट नीलामी का हो चाहे सरकारी नीलामी का हो, उसमें जो गाड़ी सब रहता है, जो आप सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदना जाते हैं कहीं पे भी, तो जो रेट में आपको वहां पे मिलते हैं वहां से करीबन 60 या 40% के कम रेट पे आपको नीलामी में गाड़ी मिलता है। और कम कीमत में गाड़ी मिलता है तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ ना कुछ नियम और कानून उसमें रहता है, कुछ रूल और रेगुलेशन जो है ना हर नीलामी में होता है, चाहे सरकारी नीलामी हो या प्राइवेट नीलामी हो। तो सरकारी नीलामी अभी पूरे बिहार में चल रहे हैं, उसमें जो रूल और नियम है, जो उसका क्राइटेरिया है, ये हम आपको बता देते हैं, और प्राइवेट नीलामी का भी साथ साथ में हम आपको बता देते हैं। एक हमारे व्यूअर है, वो कमेंट में आप देख सकते हैं उनका, ये सामने देख सकते हैं, ये उनका कमेंट है कि आपके कारण हमारा पैसा फंस गया। तो हम बता दें कि जो हमारा नीलामी का जो वीडियो आता है उसमें एक आदमी नहीं रहता है, काफी सारे लोग नीलामी में पहुंचते, और आपकी गलती के कारण जो होता है ना कि आपका पैसा फंसता है, गलती वहां पे आपका होता है, ठीक है। ऐसे प्रत्येक वीडियो में हम आपको ये जरूर बताते हैं कि जो भी गाड़ी देखना है गाड़ी देखकर बोली लगाएं, और आपका जो कैपेसिटी हो क्षमता हो तभी आप गाड़ी का बोली लगाएं और ज्यादा से ज्यादा बोली लगाएं। अगर होता क्या है, कुछ लोग का जुनून हो रहता है कि दाम ज्यादा बढ़ा दे, ठीक है, तो आप लोग भी ऐसा ना करें, अपना कैपेसिटी देख ले कि गाड़ी का अगर कीमत अगर 10,000 का है तो आप ऐसा नहीं है कि आप उसका 50,000 कीमत लगा दें और लास्ट में आपको गाड़ी आप गाड़ी ना ले, तो उस स्थिति में क्या होगा, आपका पैसा को जब्त कर लिया जाएगा, चाहे सरकारी नीलामी हो या प्राइवेट नीलामी, ठीक है, उस स्थिति में आपका पैसा को जब्त कर लिया जाएगा। ये बात आप लोग ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। गाड़ी तभी अगर आप लोग को लेना है तभी आप लोग बोली लगाइएगा गाड़ी पे, अन्यथा अगर गाड़ी अगर नहीं लेना है तो बोली नहीं लगाइए, आपका पैसा वापस मिल जाएगा, आपको पैसा वापस मिल जाएगा, कोई दूसरा कोई गाड़ी लेगा, जिसको जरूरत होगा वो अपना आदमी गाड़ी लेगा। अगर गाड़ी अगर लेने का मन हो तो ही बोली लगाइए, अन्यथा अगर आप बोली लगा लिए गाड़ी का अप्रूवल आपके पास में आ जाता है, जब गाड़ी का अप्रूवल आ जाता है यानी कंपनी क्या समझा ना, आपने पैसा जमा कराया, पैसा जमा कराकर नीलामी में आपने भाग लिया, और नीलामी में भाग लिया गाड़ी आपने जीत लिया, जीतने के बाद गाड़ी आपके नाम पर हो गया, भैया या इन्होंने गाड़ी को जीता, उस पर दूसरा कोई आप नहीं लगाएगा, यानी जो नीलामी का डेट है उस नीलामी के डेट में आपने बिड जीत लिया, ठीक है, चाहे सरकारी नीलामी हो प्राइवेट। और क्या होता है ना, वो डाटा बन के कहीं ना कहीं ऊपर जाता है, ठीक है, और वहां से गाड़ी का जो है आपका अप्रूवल पास कर दिया जाता है, हाँ इन्होंने गाड़ी जीता इनको दे दिया जाए, अब वो गाड़ी आपको देने के लिए एग्री हो जाता है, कंपनी कंपनी हो या सरकारी हो वो आपको देने के लिए एग्री हो जाते हैं। अब उस स्थिति में क्या होता है ना कि जो आपने जो पैसा जमा कराया है सरकारी नीलामी में, क्या होता है कि सरकारी नीलामी में वो पैसा आपको माइनस कर दिया जाता है, और प्राइवेट नीलामी में क्या होता है वो आपका पैसा पैसा को जो है माइनस नहीं किया जाता है। जो गाड़ी का अप्रूवल मान के चलिए अगर 30,000 का अप्रूवल अगर आपका आ गया है, आपने 10,000 रुपया पहले जमा कराया है प्राइवेट नीलामी में, श्रीराम फाइनेंस की जो नीलामी होती है उसमें 10,000 200 400 500 के आसपास में कुछ पैसा हर जिला में अलग अलग रहता है, लेकिन यहाँ पे 10,200 रुपया लगता है, तो 10,200 रुपया आपने देकर अपने नीलामी में पार्टिसिपेट किया, और जो 10,200 रुपया है जब तक आप अप्रूवल आपका नहीं आता है तब तक आपका पैसा उसी तरह आपका वो जमा रहेगा, ठीक है, अपने नीलामी में अगर भाग लेकर जीत लिया है गाड़ी, तो जैसे ही आप जो अगर अप्रूवल आ गया, आप 30,000 का आपने बोली लगाया है लास्ट 30,000 तक,
एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो 30,000 का आपको अप्रूवल आपको आ जाएगा, और 30,000 रुपया जो है ना आपको जो आपको जो कंपनी का अकाउंट नंबर मिलेगा उस अकाउंट में आपको जो 30,000 रुपया है वो 30,000 रुपया का आपको जमा करना पड़ेगा। ना कि आप सोचेगा कि 10,000 रुपया हम जमा किए हैं वो 10,000 रुपया हम माइनस कर ले और 20,000 रुपया जमा करें, तो ऐसा नहीं होता है। आपको 30,000 रुपया ही आपको जमा करना पड़ता है। जमा करने के बाद जो है आपका गाड़ी आपके नाम पर आ जाता है। उसके एक सप्ताह के बाद जो है जो आपने 10,000 रुपया जमा कराया जो किया है वो पैसा आपको खाते में आपको रिफंड मिल जाता है, वापस आ जाता है। जितना पैसा उसमें से मात्र 200 रुपया आपका कट जाता है सर्विस चार्ज, और बाकी पैसा जो है आपको आपको आपस मिल जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कुछ लोग ये चीज को नहीं समझ पा रहे थे, और क्या होता था कि ये काफी जो जो प्राइवेट फाइनेंस उनके साथ बकझक बकझक होते रहता था, तो ये चीज को कंफर्म हो जाइए। और यहाँ इतना ही नहीं कि जो लोग सब प्राइवेट नीलामी में जाते हैं उनको बसरते सारा कुछ को बसरते बैठा कर समझाया जाता है। ठीक है, समझाने के बाद कुछ लोग ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं जो लोग नीलामी में भाग लिए और भाग लिए लेकिन उन्होंने बोली नहीं लगाया, उनके कैपेसिटी से ज्यादा गया। तो उस टाइम भी हम नीलामी में थे, काफी सारे लोग पहुंचे, तो उन लोगों को पैसा को वापस कर दिया गया। नीलामी खत्म होता होते ही अगर आपने भाग नहीं मन भाग लिया और गाड़ी पर ज्यादा बोली नहीं लगाए, उस स्थिति में आपका पैसा जैसे नीलामी खत्म होगा आपको पैसा आपको जो आपने पैसा जमा किया है जो जैसे आप पैसा आपको गाड़ी लगा कर दीजिएगा, 10 का दीजिएगा, 20 का दीजिएगा, 50-100 का जो भी जो आपका पैसा रहेगा आप ही वाला पैसा आपको वापस मिलेगा। ऐसे नहीं कि दूसरे का वाला पैसा आपको मिलेगा, आपने जो पैसा दिया वही पैसा आपको वापस मिल जाएगा, नीलामी खत्म होने के तुरंत बाद आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज आप समझ गए कि ये हुआ प्राइवेट नीलामी का। ठीक है, और अगेन सरकारी नीलामी में क्या होता है, अगर आप नीलामी में भाग लिए और आप गाड़ी नहीं लेते हैं, ठीक है नहीं लेते हैं, तो आपको क्या होता है कि आपका पैसा जो आपने जमा कराया है वो पैसा को जब्त कर लिया जाएगा। हो सकता है कि आप पर कानूनी कार्रवाई भी किया जा सके। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ अभी केस अभी ऐसा कुछ नहीं आया है, लेकिन नीलामी में तभी भाग लीजिए जब आपका कैपेसिटी हो कि हाँ आप 10,000 का गाड़ी है, हो सकता है कि 12,000 भी जहाँ चल जाए, 15,000 भी चल जाए। तो क्या होता है कि आदमी के ऊपर होता है कि कितना आदमी नीलामी में भाग लिया है। ठीक है, तो 20,000 भी जा सकता है गाड़ी का। अगर आप समझिए कि अगर कोई ज्यादा बढ़ रहा है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरे बार में भाग लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठ जाइए तो आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। अगर क्या होगा, अगर आप दाम ज्यादा बढ़ाते गए नहीं वही पार्टी लिया और आप जीत गए और आप नहीं लीजिएगा, तो जाहिर सी बात है गलती आपकी है, और आपकी है तो पैसा तो आपको दंड भरना पड़ेगा ना। तो सो चीज है, तो इस चीज को आप लोग ध्यानपूर्वक शायद समझ गए होंगे। तो ये चीज होता है, ये बहुत कोई आपको नहीं बताता है, ये चीज हम आपको बता रहे हैं, तो इस बात को ध्यानपूर्वक सुन लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी लाभ मिल सके। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।